भोगी नहीं रोगी नहीं योगी बनो रे, भोगी नहीं रोगी नहीं योगी बनो रे। और एक लाइन है, दीर्घ श्वास लेना और छोड़ना है भस्त्रिका। आप योगासन करके भी अपने सेहत को और अपने जो है शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। योगासन करने से आप जो है कम उम्र के भी देख सकते हैं। तो आइए योगाचार्य पुरुषार्थी पवन आर्या से जानते हैं कि ये कौन कौन से आसन कर सकते हैं जिससे बढ़ती उम्र में भी लोग जवान दिख सकते हैं। व्यायाम, रनिंग, वॉकिंग करते हैं हम लोग, बहुत सारे एक्सरसाइज करते हैं। उसमें से कुछ ऐसे महत्वपूर्ण आसन हैं जिनको करके हम स्वस्थ तो रहेंगे ही, स्वास्थ्य लाभ के साथ साथ हमारा गिनती का उम्र का इजाफा होगा, लेकिन उसकी शारीरिक स्थिति हमेशा जवान रहेगी। ये बड़ी बात है, योगासन से ये लाभ है योग का, ये हमने पाया है, अनुभव किया है। उसमें से कुछ आसन है जैसे गोमुख आसन, सर्वांगासन, पश्चिमोत्तानासन, शीर्षासन, चक्रासन, ये छोटे बड़े सभी करते हैं, ऐसे बच्चों को तो कराते ही हैं, बच्चों के लिए स्पेशल है। और हम शुरू से यदि अभ्यास इसका करते हैं तो आगे चल के हमें कठिनाइयां नहीं होती है। देखिए, कोई भी योग आसन प्राणायाम अभ्यास आप बहुत जल्दी सीख जाते हैं, बस आपको अभ्यास में नियमित बनना पड़ेगा, नियमित रहना पड़ेगा, तब जाकर के आप अभ्यास को अच्छा कर सकते हैं। और करते करते आप देखेंगे कि आपका शारीरिक रोग दूर हो रहा है और आपके चेहरे का ग्लो बढ़ रहा है। आप बाहर के ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो आप यूज करते हैं, क्रीम और बहुत सारा डिओड्रेंट कॉस्मेटिक्स आप यूज करेंगे, तो उससे एक बनावटी आपको चेहरा मिला, लेकिन आप योग करके, आसन करके, व्यायाम करके आप नेचुरल, प्राकृतिक आप सुंदर दिखें। बच्चे भी कर सकते हैं, बड़े भी कर सकते हैं, वयस्क भी कर सकते हैं, माताएं बहनें भी कर सकती हैं। जिनका पेट साफ नहीं है, कब्ज है जिनको, या फिर जिनको जैसे माताएं बहनें गर्भावस्था में हैं तो उस अवस्था में सावधानियां रखनी होती है। बहुत से जैसे माताओं बहनों को मासिक धर्म आता है तो उस समय सावधानियां रखनी होती है आसनों में। बाकी इन सब अवस्थाओं में आप नहीं हैं तो सभी कर सकते, धीरे धीरे अभ्यास कर सकते हैं, किसी एक अच्छे योग्य शिक्षक के सानिध्य में रह करके कर सकते हैं। कैसे इसको किया जाता है, क्या पोस्चर क्या है इसका? पोस्चर यही है जैसे मैंने आपको बताया कि पैर लंबा करके पहले दंडासन में बैठें, फिर दाएं पैर को मोड़कर उसके ऊपर बैठ जाएं और दाएं पैर के ऊपर बाएं पैर को रख लें, तो आपका बाएं पैर का पंजा दाएं पैर के साइड वाले भाग में टिक जाएगा। फिर आप दाएं हाथ को ऊपर लेके जाएं, बाएं हाथ को पीछे से नीचे से लेके जाएं और पीछे की ओर आप दोनों हाथों को मिलाएं, तो आप देखेंगे कि आपकी उंगलियां, आपके दोनों हाथ के पंजे एक साथ मिल गए। और मुखड़े को सीधा रखें, कमर सीधी रखें, चेहरे पे प्रसन्नता का भाव रखें और श्वास आप धीमे धीमे अपने सहज भाव से लेते रहें और कुछ सेकंड इसी आसन में आप रुके रहें। कुछ सेकंड रुके अपने सामर्थ्य के अनुसार, 10, 20, 30 सेकंड तक रुके, आधे मिनट, इसको अधिक से अधिक आप 2 मिनट तक लगातार कर सकते हैं। इसको करने से आपका सारा सिस्टम जो है भीतर का वह ठीक होने लगता है बिगड़ा हुआ। प्रातः काल करें, जिन्हें भी करना है खाली पेट करें, प्रातः काल शौच आदि से निवृत्त होकर खाली पेट रहें। सर्वांगासन जो है वही दंडासन में बैठकर दोनों हाथों को कमर के पास रखा और धीरे धीरे दोनों पैरों को ऊपर उठाया, जितना आप शुरुआत में उठा सकते हैं उठाएं, धीरे धीरे आप सीधा कर लें पूरे पैर को। पूरा सीधा करने के बाद आप दोनों हाथ को कमर पे लगा दें, आपका हाथ का एल्बो जो है कोहनी वह स्टैंड का काम करेगा और आप पूरा सीधा कुछ देर रहें। सबसे बड़ी बात, चेहरे की रौनक इतनी खिल जाती है, एकदम खिले हुए गुलाब को आपने देखा होगा वैसी सुंदरता आ जाती है शरीर में, और आप बूढ़ापा आपका तो चला ही जाता है मानिए।